सभी साथियों को भास्कर यादव का नमस्कार। बहुत सारी बातें हैं जो लाइव में नहीं कह पाते हैं हम लोग, या भूल जाते हैं या दिमाग से हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आज ये महत्वपूर्ण वॉइस मैसेज मैं आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि कोई भी, जितने भी हमारे साथी हैं, ठीक है, कोई भी निराश, हताश या किसी भी तरीके का दिक्कत या कुछ भी, मतलब गलत ना सोचे ना समझे। आपसे सिर्फ इतना कहना, जब हमारे पास एक तरीके से 5 जनवरी 2022 में जब 6800 की लिस्ट आई थी, उसके बाद हम लोग बहुत परेशान थे। बहुत सारे साथी फ़ोन कर करके रो रहे थे कि भैया क्या होगा, किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, किसी के जो है सुसाइड करने की बात दिमाग में आने लगी, मतलब इस तरीके के गंदे विचार जो है लोग सोचने लगे और ऐसा लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। वहाँ से हम लोगों ने हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखा और ये इस विश्वास के साथ जारी रखा कि यदि हम सही हैं तो हम लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ना केवल 6800 को, आधी अधूरी जीत को रोका, बल्कि आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि जो हमको आधी जीत मिली थी उसको पूरी जीत के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। 6800 प्रोसीड कराने के लिए जिन लोगों का सूची में नाम था, भरसक प्रयास किया, लेकिन कभी भी गलत दिशा में प्रयास करने से, अपने लोगों के साथ धोखा करने से, उस प्रयास में कभी सफलता नहीं मिलती है। प्रयास करना अलग चीज़ है, लेकिन उस प्रयास में नियत साफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की स्थिति में क्या है कि लोगों की जो खुद को 6800 का या किसी का नेता समझते हैं या लीडर समझते हैं, दरअसल उन लोगों की जो एक तरीके से आज स्थिति है, या उन लोगों की नियुक्ति ना हो पाने का या हारने का, मैं इंडिविजुअल 6800 की बात कर रहा हूँ कि नियुक्ति ना पाने का जो मूल कारण है वो उनकी नीयत गंदी है, उनकी नीयत साफ नहीं है। वो अपने लोगों को एक दुधारू गाय मान करके प्रयास किए, सही दिशा में, हाँ, चूँकि लड़ाई सब लोगों को लड़े, हम लोग भी लड़े, हमारे जितने अचैनी साथी रह गए वो सब जो है लड़े, लेकिन उनको अछूत की नज़र से देखा जाने लगा, तब जो है हम लोगों ने ये कहा, सोचा कि आधी अधूरी जीत तो नहीं होगी, या तो पूरी होगी और या तो पूरी भर्ती को जो है तितर बितर करने का प्रयास किया जाएगा। अब आप लोग देखो कि जो OBCSC का मसीहा कहते थे, कभी आपने उन लोगों को, अपने विरोधियों को गाली देते नहीं सुना होगा, अपने विरोधियों को उल्टा सीधा कहते नहीं सुना होगा, वो जब भी मुंह खोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही समाज के लोगों को, अपने ही फॉलोअर्स को, अपने ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वालों को ही अपशब्द दिया, इस तरीके का कहने का कार्य करते आए हैं। हमेशा जो अपने समाज को, हम लोगों को, या जो लड़ने वाले थे उन्हीं को कमतर करने का, उन्हीं को बदनाम करने का कार्य, उन्हीं के सापेक्ष लूटने का कार्य करके कुछ लोगों को इस काम में हम लोगों के पीछे लगाने का कार्य ऐसे लोगों द्वारा ही किया गया। लेकिन क्या हुआ, यदि नीयत सही हो, सोच सही हो, तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप अपने कार्य में ज़रूर सफल होंगे। उन लोगों ने भरसक प्रयास किया कि इंटरनेट में फलाना ढमाका सब कुछ कर लिया जाए, लेकिन हम लोगों की नीयत साफ थी, दिन रात एक करके मेहनत किया था, सब कुछ किया, उसी का परिणाम है कि आज जजमेंट, एक पिटारा जो है वो बंद हो चुका है, और वो पिटारा खुलेगा तो उस पिटारे में
सब जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उसमें किसी एक का भविष्य नहीं होगा, बल्कि हम सब का भविष्य होगा। ठीक है, अभी कल जैसे मैं लाइव भी आया था, सारी चीज़ें थी, ठीक है, तो कुछ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी उस मुकदमे में अनावश्यक रूप से इंटरफेयर करके फलाना धमाका वाली स्थित कर दी है। लेकिन कभी भी होना ये चाहिए कि आपकी लड़ाई हमेशा सही दिशा में लड़नी चाहिए। अगर आपने सही दिशा में लड़ाई लड़ी तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट इस बात को बहुत तवज्जो देती है कि आप अपन क्यों आए हो कोर्ट, आप अपने लिए मांग रहे हो कि दूसरे को छीनने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब पर भी हमारा फोकस है। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग अभी लगातार अपने जूनियर से, जो अधिवक्ता हैं, जो अन्य अधिवक्ता हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। इसके बाद आज शाम से या कल से सीनियर से भी टाइम मिल जाएगा, उनके पास जाकर के जो जजमेंट रिजर्व है, जो पिटारा रिजर्व हो चुका है, उसमें हम अपना रिटर्न सबमिशन तैयार करके आगे की कार्यवाही करने का कार्य करेंगे। ठीक है, रिटर्न सबमिशन बहुत ज़बरदस्त होगा, कोई भी बिंदु छूटेगा नहीं। ठीक है, उसको हम लोग लगातार पेज पर जो जो दिमाग में हम लोग बात आते हैं उनको शॉर्ट में नोट करते जा रहे हैं, और उन सभी चीज़ों को 2018 से जब से विज्ञापन आया है तब से लेकर के आज की डेट तक जितनी भी एक्टिविटी 69,000 में हुई है, हम लोगों से रिलेटेड या हम लोगों के फेवर में, उन सभी चीज़ों को कंपाइल किया जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनका हवाला दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कानून हैं उन सबका अध्ययन करके उसमें लगाया जाएगा। जो हमारा एक्ट है उस एक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से जो है पैराग्राफ या जो जो उसमें से हम लोगों के पक्ष में लिखी गई हैं चीज़ें, उन सबको लेते हुए एक्ट रूल्स और जो बेसिक शिक्षा सेवा नियम 1981 है, इन सब के पैरावाइज जो है, जो ऑपरेटिव पोर्शंस होंगे, जो हमारे काम के होंगे, उन सबको अपने रिटर्न सबमिशन में सिस्टम से ना केवल टाइप करवा करके या ड्राफ्ट करवा करके फाइल किया जाएगा, बल्कि उससे संबंधित जो डिवीजन बेंच, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं उनके भी ऑपरेटिव पैराज को मेंशन करके रिटर्न सबमिशन तैयार करवाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जो हमारी सीनियर्स की बहस है उसको भी उसमें कंक्लूड किया जाएगा। जो जो हम लोगों ने कोर्ट में डेटा सबमिट किया है उस डेटा को ऑब्जर्व किया जाए कोर्ट द्वारा। जैसे 28,978 का हम लोगों ने OBC का सबमिट किया है, इसी तरीके से SC का भी सबमिट किया है, तो उनका भी हवाला दिया जाएगा कि इस डेट में हमने 4 वैल्यूम में OBC का डेटा और 1 वैल्यूम में SC का डेटा उसमें कलेक्ट किया है। उसको कोर्ट जब भी जजमेंट करे उन चीज़ों को देखने के बाद ही चीज़ों को कंसीडर करे, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा जो ओरल आर्गुमेंट हुए हैं कोर्ट में उनको भी रिटर्न सबमिशन में रखा जाएगा। इसके अलावा जो ATRE क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है या TET केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस पर जो आदेश हुए हैं वो इस पर रिलायंस करेंगे या नहीं करेंगे, उनके पैराज क्या हैं, उन सबको जो है कंक्लूड करते हुए बढ़िया सा रिटर्न सबमिशन तैयार करके लास्ट में हम क्या चाहते हैं या क्या इसका एक रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को भी सजेशन के रूप में रिटर्न सबमिशन में सीनियर्स के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, रिटर्न सबमिशन सिर्फ सीनियर का पढ़ा जाता है, जूनियर तो केवल फाइलिंग का काम करता है। मैंने हमेशा बताया है, पहले भी बताया है कि हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं कि हम आपको सीनियर के अलावा जूनियर की बहस कराएं। 5-5, 6-6 अधिवक्ता हमारे रहे हैं, ठीक है, और बहुत टॉप मोस्ट रहे हैं, चाहे GC वर्मा साहब हूँ, बहुत ज़बरदस्त 2020 में उन्होंने सब पहली पिटीशन अलाउ करवाई थी, अलाउ इन द सेंस मतलब सरकार को पक्ष जानने के लिए वो किया था, नहीं तो डिसमिस हो जाती, ठीक है। इसके अलावा राजीव नारायण सर थे, मतलब जो भी सबके नाम आप लोग उसमें देख रहे हैं, नितेश भाई थे, सीनियर एडवोकेट्स सारे लोग थे, तो उन सबको तैयार करवा के सीनियर्स का ही सबमिशन उसमें दिया जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली जज भी क्या है, जज की भी एक रेपुटेशन होती है, एक दिमाग में माइंड होता है,
दिमाग में, माइंड बता रहा, दिमाग में एक सोच होती है कि यार ये जूनियर हमको क्या बताएगा, तो वो अपने हिसाब से जजमेंट लिख देता है। लेकिन जब उसमें सीनियर जो है अपना सबमिशन देता है तो उसको पढ़ना पड़ता कि हाँ यार ये डेजिग्नेटेड सीनियर हैं और काफ़ी अनुभव के पश्चात आदमी जूनियर वकील सीनियर बनता है, तो कोर्ट मेंशन करती हाँ यार इतने बड़े सीनियर हैं तो इनका सबमिशन में कुछ चीज़ें हो सकता नहीं हो जो हमारे समझ में ना आई हों या हमसे छूट गई हों, तो उनको वो जो सीनियर्स के द्वारा सबमिशन फाइल होता है उसको वो ज़रूर देखता है। और उसको देखने का एक रीज़न और भी होता है कि जैसे किसी सीनियर्स का सबमिशन आपने छोड़ दिया या उसको नहीं कंसीडर किया या उसके आर्गुमेंट को आपने अलाउ या डिनाई नहीं किया, तो फिर उसको ये भी डर रहता है कि उसके ऊपर भी अन्य कोर्टें रहती हैं, तो सिंगल कोर्ट में ये रहता है कि भाई अगर हम किसी का पक्ष सुन लेंगे और उसके अगर वो सही है और उसका जवाब हम लोग एक्सेप्ट करके या नेगलेक्ट करके नहीं देंगे जजमेंट में, तो उस पर्टिकुलर जज के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। और कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा जजमेंट ऊपरी अदालत में कभी अगर जाए भी तो पलट जाए, इसलिए जो जजमेंट हमारा लिखा जाएगा वो सभी बिंदुओं को कंक्लूड करते हुए, रिटर्न सबमिशन को कंसीडर करते हुए, तब जा करके बढ़िया डिटेल्ड जो है ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर भी अच्छा आने की उम्मीद है, हम लोगों के फेवर में ही आएगा ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, बाकी अगर बायस्ड हुए तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे हमारे साथी भ्रमित थे, फ़ोन कर रहे थे और कर रहे हैं, तो ऐसे सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी जहाँ इतना पेशेंस रखा है वहाँ थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। जब इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ से छीन के ले आए तो लास्ट मोमेंट पर क्या आपको लगता है कि हम लोग कहीं से कोर कसर छोड़ेंगे? हमने हमेशा कहा कि 2020 से 1 जून को लिस्ट आई, 2 जून से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बीच में बहुत आए, बहुत गए, बहुत हैं, खा पी के चौपट कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन हम लोगों का स्टैंड जो तब था वो आज है। ठीक है, और हमने पहले कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, लड़ा, और हमने ये भी कहा था कि इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, और उसी का परिणाम है कि हम लोग अधूरा नहीं छोड़ें। और ये भी मैंने कहा था किसी को लेकर के भागने भी नहीं देंगे, वो भी है, उसी का परिणाम ये है कि आज जजमेंट रिजर्व पर है, जो जहाँ पर था वहीं पर है। अब कोई खुद को व्यक्तिगत मानने लगे कि हम सिलेक्टेड हैं या हम अनसेलेक्टेड हैं या हमारा हो गया, हमको तो नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है आदि, अगर वो सोचता है तो सोचता रहे। ठीक है, आज की स्थिति में जो जजमेंट आएगा वो हम लोगों के फेवर में ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी निराश हताश परेशान मत हुए, थोड़ा सा पेशेंस अभी तक रखा, थोड़ा और रखिए, और जो जजमेंट आना है वो हम लोगों के फेवर में ही आएगा ऐसा मुझे भरोसा है। और जो रिटर्न सबमिशन है, चूँकि कोर्ट ने जोर देकर के कहा है कि आप रिटर्न सबमिशन दीजिए, तो रिटर्न सबमिशन में देखिए जो रिट पिटीशन होती है कोई 150 पेज की, 200 पेज की, हम लोगों की तो बताओ 430-430 पेज की हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मटेरियल लगा हुआ है, तो कभी कभी उस चीज़ को कभी कभी कोर्ट पढ़ने में टाइम लगाती है या किसी कारण छूट जाता है, इसलिए कोर्ट रिटर्न सबमिशन मांगती है, और रिटर्न सीनियर ही देता है रिटर्न सबमिशन, जूनियर का कभी रिटर्न सबमिशन का कोई मतलब है नहीं होता है। ठीक है, हाँ लोग अपना दुकान चलाने के लिए ऐसा कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, हम जो अभी तक किए हैं वही आगे भी करेंगे। रिटर्न सबमिशन बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा और कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अभी हमने कई लोगों से भी कह रखा जो हमारे साथ में हैं, वो लोग बताए थे भैया कुछ छूटे ना, तो हमने कहा कि जो तुम चाहते हो उसमें हो वो हमको भेज दो। तो बहुत सारे साथियों ने वो प्रेस नोट भेजा है जिसमें कहा था कि हाँ 17,000 सीटों का घोटाला हुआ है, ये हम देने जा रहे हैं 15,000। ठीक है, बाद में उसको बाद में उसको 6-7,000 सीटें कर दी गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो 3-2-3 वाला जो 27 जनवरी का ऑर्डर है वो भैया लगा देना, कुछ लोगों ने कहा DB का लगा देना, कुछ लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट का लगा देना, तो वो सारे के सारे हमारे उसमें लगे हैं। ठीक है, और इसके अलावा
जो एक्ट है 1994, जो जितेंद्र सिंह का ऑर्डर है, उसके ऑपरेटिव पैराज, मतलब ये सब जितनी चीज़ें हैं, इसी तरीके से बहुत सारे साथियों ने वो जाके जो नीरो मकवाना वाला जजमेंट वो कोर्ट को दिखा रहे थे, जिसमें उनने प्री मेंस और इंटरव्यू होने के बावजूद रिजर्वेशन की बात करी थी, बोले थे उसको आप क्लियरिफाई कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंपाइल करके कोर्ट के समक्ष लाने जा रहे हैं, ठीक है। और कोई बिंदु छूटेगा नहीं, सीनियर्स के द्वारा हम लोग इसको फाइल करवाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि इस रिटर्न सबमिशन जो रहेगा वो फाइनल जजमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और जो भी रिटर्न जो भी जिन जो साथी जिन जिन रिटों में हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ उनकी रिट में भी रिटर्न सबमिशन हो, रिटर्न सबमिशन में उनकी रिट भी शामिल हो, तो ऐसे लोग कोई हम 1,000-2,000 रुपए तो मांग नहीं रहे हैं, जो भी जेन्युइन खर्चा है, ठीक है, वही आप लोग दे दीजिए। तो जो जो लोग दे देंगे उन सभी के रिट्स में जो भी हैं रिटर्न सबमिशन में वो फाइल हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।